जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज कर रहे हैं, और इस एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो है 5 पर आ चुके हैं। और इस चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है तो जो है 1857 की क्रांति। ये आपको जो है इसी जो है चैप्टर, इसी क्लास के जो है यानी क्लास 8 के जो है लास्ट जो लेसन है, इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा और डिटेल में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी दिया है तो इसे भी समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक को समझ लिया है, जैसे कि जो है इसमें इससे जो है 1857 की क्रांति में, इस क्रांति में जो है नवाब लोग कैसे इसमें शामिल हुए हैं, आखिर इसमें किसान कैसे शामिल हो गया, इसमें जो है जो सिपाही वर्ग है, ठीक है ना, जो सोल्जर है, जो इंडियन आर्मी में जो है काम, मतलब सॉरी इंडियन आर्मी में, जो ब्रिटेन के जो है आर्मी में जो काम कर रहे हैं पिछले 40 साल से, वो लोग इसमें विद्रोह में मतलब शामिल क्यों हो गए, क्या कह रही जानते। तीन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग को देखना है इसने जो है नए वीडियो में, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह कैसे, यानी स्टार्ट स्टार्ट किससे हुआ था। आपने सुना होगा कि जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी कि जो है कैसे जो है इसमें कारतूस का मामला था, जिसमें जो है गाय और सुअर के जो है चमड़े का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें भी थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि भाई किसी के भी आप धर्म को ठेस पहुंचाएंगे तब तो फिर समस्या है, लोग तो फिर धर्म युद्ध लड़ेंगे ही, तो वही बात है, ठीक है। तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया, इसको देखेंगे हम लोग। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका और जो है उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हुई, ठीक है। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेश जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है ना। तो इसमें आप मतलब इसमें समझेंगे कि जो ये विद्रोह था ना, इसको आप विद्रोह नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग विद्रोह शब्द कहेंगे तो फिर ये समस्या है कि भाई हम लोग क्यों विद्रोह कहें। अंग्रेज लोग कहते हैं, अंग्रेजों ने लिखा है तो वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोगों ने किसके लिए लड़ा है, अपने हक के लिए लड़ा ना। आप अगर हक हक के लिए लड़ते हैं तो आप विद्रोह नहीं करते हैं। देश तो आप ही का है, देश तो हम ही लोग का है, तो फिर हम लोग अपने ही हक के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या है, तो भाई मतलब वो विद्रोह कैसे हुआ। फिर सब क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे, हम लोगों ने क्या किया है, क्रांति किया है, ठीक है ना, एक संघर्ष हुआ, इसे आप संघर्ष भी कह सकते हैं। तो जो है ऐसे ही कहानी हुई 1857 में। ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की जो क्रांति हुई, ये क्रांति इतनी भयानक थी कि अंग्रेजों को जो है मतलब इसमें 3 साल लग गए, लगभग जो है 2.5 से 3 साल जो है अंग्रेज परेशान हो गए। बहुत सारे जो है अंग्रेजों के जो स्थान थे, मतलब जो उन लोग का जो अड्डा जिसे आप कहते हैं, तो उन चीजों को क्या किया इन्होंने, तो जो है नष्ट कर दिया गया उसको, ठीक है ना। लेकिन इसमें समस्या क्या थी, तो ये जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह एक साथ नहीं हुआ था। अगर कोई कहे कि 1857 में हम लोग जो है युद्ध क्यों नहीं जीत पाए, ठीक है, हम लोगों ने जो है सैनिकों को अंग्रेजों को यहाँ से क्यों नहीं खदेड़ पाए, तो सबसे बड़ा रीजन ये था ना कि उस समय जो हमारी जो जो भारतीय जो भारत के जो लोग हैं वो भी एक माला में पिरोए नहीं गए थे, अभी समय लगा, ठीक है ना। जैसे एक माला में ना पिरोना बहुत जो है मुश्किल काम है। मान लीजिए पूरा हम लोग का भारत है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा भारत मान लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी यहाँ पर जो गलती है ये हुई कि जो सारे जो युद्ध हुए ना, सारे युद्ध हुए, जारे सारे जो विद्रोह हुए अलग अलग जगह पर, तो ये एक साथ नहीं हुए थे। इसके बहुत सारे कमियां हैं कि एक तो भाई संचार की जो है संचार की कमियां थी, आज की तरह सोशल मीडिया नहीं है कि आज एक न्यूज फैलाएं और पूरे भारत में फैल गया और सभी लोग जो है कुछ ना कुछ लेकर चल दिए युद्ध लड़ने, ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय। स्थिति थोड़ी सी जो है डाउन फेज की थी, और समस्या ये भी थी कि जो है सबको नहीं लग रहा था कि जो है राष्ट्र की लड़ाई है, क्योंकि उस समय भी अभी जो है ना हम लोग एक भारत के रूप में नहीं बंधे हुए थे। भारत के रूप में बंधने के लिए हम लोग को थोड़ा और समय लगा। उसके बाद हम लोग के अंदर क्या आया, तो एक राष्ट्र की भावना आई, एक राष्ट्र की चेतना आई कि हम लोग जो है
भारतीय हैं, ठीक है। उस समय जो है ये जो है क्योंकि देखिए झांसी की रानी भी हैं, वो भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा पूरा भारत देश है, नहीं, वो भी अपने जो अपने स्थानीय जो है क्षेत्र के लिए लड़ रही हैं कि हमारा जो है क्या हो तो क्षेत्र हासिल हो जाए। इसी तरह जो है सैनिक हैं तो कुछ अपने जो है मुद्दे लेकर चल रहे हैं, मतलब किसी का मुद्दा क्लियर नहीं था अभी। इस मुद्दा को क्लियर होना कि हमारा जो है हमारी जो लड़ाई है वो किसके लिए है, तो पूरे भारत देश के लिए, तो इसमें थोड़ा समय लगा। फिर आपको पता है कि कैसे महात्मा गांधी का एंट्री हुआ और 1920 के लमसम जो है उस समय, तो धीरे धीरे कैसे हम लोग जो है एक सूत्र में पिरोए गए, ठीक है ना, एक माला रूपी में। तो उसके बाद हम लोग का जो है देश बना है, तो माला बना है। आज युद्ध होगा तो एक राष्ट्र की भावना है, सभी लोग लेकर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज थी, यहाँ पर जो है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। फिर आप यहाँ से फिगर भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कि मेरठ से दिल्ली तक आखिर जो मेरठ से जो जो सिपाही निकले थे वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है, मंगल पांडे, ठीक है। क्या नाम आता है? मंगल पांडे, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे भाई मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले हैं, जो आखिर इनकी क्या कहानी है, इनका योगदान क्या था इस युद्ध में, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू।